नागपुर से उखड़ गई 34 करोड़ की सड़क। कानपुर के पनकी में समीक्षा करने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री। विधायक की शिकायत पर रोड देखने पहुंचे तो खुली पोल। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 15 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश जारी किए थे। सड़कें गड्ढा मुक्त हो रही हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद खुद उत्तर प्रदेश के जिलों में जाकर सड़कों का निरीक्षण कर रहे हैं। मंत्री जितिन प्रसाद सोमवार को कानपुर पहुंचे। यहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने उनसे पनकी में बनी रोड का सही ढंग से निर्माण न होने की शिकायत की। मौके पर मौजूद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उसको सही बताते रहे। बीजेपी विधायक और अधिकारी के बीच आपस में बात बढ़ती देख मंत्री जितिन खुद रोड का निरीक्षण करने के लिए 10 किलोमीटर दूर पनकी पहुंच गए। वहां भाटिया चौराहे से पनकी मंदिर तक बनी रोड का मंत्री जितिन प्रसाद ने पैदल ही निरीक्षण करना शुरू किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी विधायक सुरेंद्र मिथानी और पीडब्ल्यूडी के बड़े अधिकारी भी साथ में थे। सड़क पर चलने के दौरान ही उन्होंने एक जगह रुककर सड़क पर अपनी उंगली से खुरचा सड़क का निरीक्षण शुरू किया। जैसे ही मंत्री जितिन ने सड़क को खुरचना शुरू किया तो सड़क की लेबल उखड़ गई और मिट्टी निकल गई। सड़क की हालत देखकर मंत्री जितिन प्रसाद भड़क गए। उन्होंने पूछा कि ठेकेदार कहाँ है, ठेकेदार पर कार्रवाई करो, पूरी रिपोर्ट मुझे चाहिए। बताया जा रहा है कि इस सीमेंटेड सड़क का निर्माण 34 करोड़ की लागत में किया गया था। लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद का कहना है कि सीएम योगी जी का सड़कों को लेकर सीधा निर्देश है, कोई भी गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस पर भी काम करेंगे, जीरो टॉलरेंस पर भी काम होगा। ऐसे में जो भी दोषी होगा उसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि बैठक में सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि भाटिया तिराहे पे पनकी मंदिर तक की सीसी रोड साल भर में ही उखड़ गई। इस पर अधिशासी अभियंता आर के त्रिपाठी ने यह कहकर गुमराह करने की कोशिश की कि रोड 2016 में बन गई थी। विधायक ने कहा कि अफसर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने जितिन प्रसाद से आग्रह किया, मंत्री जी आप खुद चल कर देख ले, पूरी स्थिति साफ हो जाएगी। आखिरकार जितिन प्रसाद करीब 5 बजे भाटिया तिराहा पहुंचे। वहां से पनकी रोड का 1.5 घंटे तक निरीक्षण किया। खुद रोड खुरचने लगे तो सिर्फ उंगली फिराते ही मिट्टी निकल गई। यह देख पारा चढ़ गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने भी बीते 19 अक्टूबर को लखनऊ में महाराणा प्रताप मार्ग का भी निरीक्षण किया था। राजधानी लखनऊ में निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने नेशनल पीजी कॉलेज के सामने महाराणा प्रताप मार्ग के नवीनीकरण निर्माण कार्य को अधिमानक पाया, जिसके बाद इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।